सोलन के साई इंटरनेशनल स्कूल द्वारा 5वां वार्षिक पारितोषित वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्रबंध निदेशक रविंदर बाबा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा स्कूल वार्षिक पत्रिका का विमोचन करवाया गया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें बच्चों ने हिंदी, पंजाबी और पहाड़ी गीतों पर नृत्य कर उपस्थित जनों की खूब तालियां बटोरी। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने स्कूल प्रबंधन को बधाई देते हुए कहा कि बच्चों में उत्साह देखने लायक है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए स्कूल द्वारा बेहतर शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उन्हें बाल्यावस्था से ही अच्छे संस्कार और बेहतर शिक्षा देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में देश की तरक्की में ये अपनी अहम भूमिका निभा सकें। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा विद्यालय में अव्वल रहे छात्रों को सम्मानित भी किया गया। बच्चों में उत्साह देखते ही बनता है और 5 साल आज स्कूल को हुए हैं, एस्टैब्लिश हुए और बहुत माइलस्टोन उन्होंने अचीव किए हैं। बच्चों की ग्रूमिंग, बच्चों की लर्निंग, बच्चों में कॉन्फिडेंस और जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज रियली एप्रिशिएबल। हमें लगता है कि और स्कूल्स को भी जो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, जो लर्निंग का मैकेनिज्म है, इनसे सीखना चाहिए। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स में भी बहुत डिसिप्लिन और डेकोरम देखने को मिला। मैं इनके चेयरमैन साहब और इनके टीचर्स, फैकल्टी सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में ये ऐसी एजुकेशन इम्पार्ट करते रहें, डिफरेंट मोड्स ऑफ एजुकेशन को एक्सपेरिमेंट करें, प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ आगे ध्यान दें और बच्चों में ऐसे उत्साह बना रहे। आई विश देम ऑल द बेस्ट।